तो चलिए जी, लालू आ चुका है स्कूल से। यार स्कूल में पहला दिन कैसा रहा बेटा? मस्त, पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया तीसरी क्लास में? पहला दिन क्या रोल नंबर है तेरा? मेरा रोल नंबर है 30। टंगे 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 टंगे। ये देखो, उस टंगे ने बच्चों को भी बिगाड़ दिया। टंगे टंगे बिल्ली आ चला दो, बिल्ली बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए पंजा। सब सभी बनाते हैं कुछ स्पेशल, डाल उसमें कुछ स्पेशल करके बना उसको। आज देखते हैं ये क्या है, ये उंगुरी विद। तो ये स्पेशल मटर पुलाव बनाने वाली है और देखते हैं किस प्रकार से बनाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। तो सबसे पहले सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि आजकल मेरी वीडियो थोड़ा लेट लेट आ रही है। अभी दिल्ली में हूँ तो बहुत जल्द गांव जाने वाले हैं, तो फिलहाल अभी दिल्ली में है तो दिल्ली के ब्लॉग आपको लेकर आ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल सुबह के 10:30 से 11 बजे का टाइम हो चुका है। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है, इसलिए बाहर जाने के लिए भी मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा तेज धूप लगी हुई है। तो चलिए जी, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज आपसे कुछ नहीं बात करें मौसम की। देखिए कितनी कड़कड़ाती हुई धूप लग रही है, ये देख रहे हो, पूरी चारों तरफ धूप खिली हुई है और भाई साहब गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। और नाश्ता मैंने कर लिया है और पूजा ने लगी हुई है नाश्ता करने में। तो आज बनाया था नाश्ते में आलू गोभी और रोटी। ये उदास रहती है आजकल क्योंकि इसका इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा है और मेरा यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, दोनों दिक्कत में आ रखे हैं। और एक वो रही नारा, तुमने नाश्ता कर लिया? जल्दी आ इधर, नाश्ता कर ले बेटा। ये देख तेले आलू गोभी है, तेले आलू गोभी है। हेलो कर दे सबको। अच्छा, ये रोहित का पार्सल आया है, दो टी शर्ट मंगवाई थी उसने ऑनलाइन से, इसका ये पार्सल आया है, सैंडो मंगाई है। और ये लगी हुई है नाश्ता करने में, तू भी कर ले, आजा आजा इन्हीं आप बुआ, नाश्ता कर ले, चल नाश्ता कर ले बेटा। ये फ्राक कौन लाया थे ले? ये मेरी मम्मी तेरा बिक्की लेके आया। हाँ, मत छेड़ उसको बेटा, मत छेड़ उसको। अच्छा तू जा कर ले मम्मी के साथ नाश्ता, मम्मी भी कर रही है, जा। हाँ कर ले सवाज मेरा बच्चा, जा। हाँ तब डांस कर लियो, ठीक है? पहले नाश्ता कर ले, जा। टेंगे टेंगे करियो, कैसे करता वो? वो कैसे करता है? टेंगे 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 टेंगे। ये देखो, उस टेंगे ने बच्चों को भी बिगाड़ दिया, टेंगे टेंगे कर रहा है। मेरी बेबी छोटी है, छोटे छोटी भूख लगी, खाली भूता भूख ली, मुख में दाना नहीं, हाँ बड़ाते नाना नहीं, नाना लाई बिल्ली आ चला दो, बिल्ली बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गए पंजा। सवाल ये ले ले ले, थैंक यू, कितनी प्यारी कविता सुना दी तूने। अब नाश्ता कर ले बेटा, हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, हैं चल नाश्ता कर ले, सवास। तो चलिए जी दोस्तों, दोपहर का टाइम हो चुका है 1 से 1:30 बजे का। अभी लालू भी स्कूल से आने वाला है, आज फर्स्ट डे है लालू का स्कूल में, तीसरी क्लास में। तो उससे भी पूछेंगे आज पहला दिन कैसा रहा है ना। और पूजा बना रही है, यहाँ पे क्या बन रही है आज? मटर पुलाव। ये आज देखते हैं कैसे बनाती है, तो बने रहेगा आज पूरी रेसिपी। मतलब आज तेरा स्पेशल देखेंगे ना, कुछ मटर पुलाव तो सभी बनाते हैं, कुछ स्पेशल डाल उसमें, कुछ स्पेशल करके बना उसको। आज देखते हैं ये क्या है, ये उंगुरी विद। तो ये स्पेशल मटर पुलाव बनाने वाली है और देखते हैं किस प्रकार से बनाएगी। देखते हैं किस प्रकार से आज मटर पुलाव बनाती है, कुछ स्पेशल बनाने वाली है, देख सकते हो। मेरे पर क्यों मार रही है? तभी लालू भी आएगा स्कूल से और पूछेंगे उससे, क्योंकि आज उसकी तीसरी क्लास में पहला दिन था और देखते हैं कैसा रहा उसका पहला दिन। तो ये बना रही है मटर पुलाव, अभी ये मटर छिल रही है, इस पे बीज आ गया, पीछे से पूंछ लग गई इन मटरों पे, है ना? अच्छा
अभी 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 इसको भिगोने डालेगी ना है, अभी पूजा इसको बिनने में लगी हुई है, इसके बाद क्या करेगी? अच्छा उसके बाद इसको उबालेगी है। मैंने चावल भिगो के रखे थे, अब इसमें मैंने टमाटर काट दिए, इसमें प्याज प्याज का तड़का लगा रही हूँ, ये देख सकते हैं ये थोड़े ग्रीन हो जाएंगे, थोड़ा भुन जाएंगे तो फिर इसको डाल लेंगे इसमें, इसमें हरी मिर्च काट गोभी डाल रही हूँ, मैंने गोभी काट के रखी थी, ये देख सकते हैं इसमें चावल गोभी और हरी मिर्च टमाटर टमाटर, इसमें मटर भुने जा रहे हैं प्याज के साथ, नहीं मटर दे रहे हैं मटर मैंने पहले प्याज है इसमें, अच्छा प्याज पहले प्याज भुनना है, मटर मैंने उबाल के रख दिए थे क्योंकि पक्के मटर थे ना तो ये फिर उबलते नहीं, तो मैंने इनको उबाल दिया है, उबाल दिए हैं, हमने किचन भी डेकोरेट किया है, पहले देखा होगा आपने पहले की वीडियो में कैसा था, ट्रायल राइड नहीं लग गई। अच्छा मटर उबालने के बाद बस हो गया, मैं सब मिक्स कर दी, चावल गोभी और टमाटर हरी मिर्च मटर, अब इसको डालेंगे इसमें, प्याज को भुने जाएंगे, प्याज भून चुके हैं, भूनेंगे अब वो डालेंगे इसमें, अब सारा चीज हाथ जल गया, ये देखिए उस प्रकार से मटर पुलाव बना गया था, देखिए इस प्रकार से मटर पुलाव तैयार कर लिया, पूजा पुलाव अभी नमक मिर्च कौन डालेगा तो चलिए जी, लालू आ चुका है स्कूल से, और स्कूल में पहला दिन कैसा रहा बेटा? मस्त, पूरा दिन अच्छा गया। अच्छा क्या क्या पढ़ाया तीसरी क्लास में पहला दिन, क्या रोल नंबर है तेरा? मेरा रोल नंबर है 35। 35 तीसरी क्लास में? हाँ। आगे बैठता है, पीछे बैठता है, बीच में बैठता है? आगे, सबसे आगे। अच्छा आज पहला दिन में मैडम ने क्या पढ़ाया तुझे? पहले मैम ने बोला इंट्रोडक्शन सुनाओ, फिर मैम ने हिंदी में कठिन सब करवाए, फिर मैम ने बुक फिल करवाई। अच्छा, और फिर मैम ने बोला इसको रीड करो, फिर रीड करके सुनाया। अच्छा, कल हमने इन किताबों पे वो लगाया था, कवर लगाया था, मैडम ने क्या बोला, कैसे लगे कवर? मैम ने बोला ये अच्छे, ये देखो ये सबकी किताब, ऐसे कवर चाहिए। अच्छा बढ़िया लगा है ना? हाँ। दिखाए एक बार किताब, ये जी इसकी तीसरी क्लास की, कल हमने इन पे एक बाहर से पन्नी वाला कवर चढ़ाया, इसके साथ ये भी गई थी आराम से, मौत से नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रही है, इसके आइसक्रीम सबसे फेवरेट है इसे। हाँ मैडम जी, हो गया खत्म? नहीं हुआ अभी, कब तक खाएगी? अभी। अच्छा तो ये आ चुका है स्कूल से, और हाथ मुंह धोगा, अब देखते हैं पूजा ने कहाँ तक खाना बना दिया। चलिए जी, पुलाव बन के तैयार हो चुका है, इस प्रकार से बना है पुलाव। कैसा बना है? खाइयो ये नारा, यहाँ सामने मोबाइल चलता रहेगा, खाती रहेगी ये। कैसा बना है भाई? ये खुद बना के खुद खा रही है, है? मस्त। तो चलिए जी, हमारे लिए भी रखा है, हम भी टेस्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ये देखिए गीगिया। कैसा बना है नारा? अच्छा तो टेस्ट करके बता। कैसा बना है? मस्त। वो कहाँ गया? दोस्तों यही थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, बच्चे का पहला दिन था स्कूल में, कह रहा है कि अच्छा गया। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी हो वीडियो, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको नवरात्रे आने वाले हैं, तो एडवांस में हैप्पी नवरात्रा, और अपनी फैमिली के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में।
हो सकता है अगली लोकेशन में कहीं जाएं तो वहाँ की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक ध्यान रखिए अपने अपने और अपने परिवार का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू।